सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। दिल्ली में कल रात से ही कोहरा छाया हुआ है, हालांकि अब कोहरा धीरे धीरे छट रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, रात भर दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा जो कि अभी भी जारी है। दूसरी तस्वीर है सोनीपत की, जहां NH1 पर कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड बेहद कम रही और कोहरे के चलते एक्सीडेंट भी हुए हैं। तीसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां शहर कोहरे में छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें हैं, ठंड बढ़ गई है और कोहरा साफ तौर पर अब अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में आज भी धुंध का आलम बरकरार है और यहां पर अक्षरधाम मंदिर के आसपास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम टेम्पल होना चाहिए, जो कि इस वक्त धुंध में छुपा हुआ है और बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हाईवे की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि करीब करीब विजिबिलिटी काफी वीक नजर आएगी और 100 मीटर्स के आसपास या 150 मीटर्स के आसपास विजिबिलिटी आपको महसूस कर सकते हैं हम, और जो रोड है, जो हाईवे है, उस पर धुंध आपको फैली हुई नजर आएगी। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे मेट्रो का ट्रैक जा रहा है, एक हद के बाद 100 मीटर्स के बाद या लगभग 150 मीटर्स के बाद आपको विजिबल नहीं है ये ट्रैक, दोनों तरफ का यही नजारा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि सुबह 5:30 बजे के आसपास जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, 6 बजे के आसपास जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, वो 11.2 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पालम एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो 0 विजिबिलिटी 5:30 बजे सुबह के समय पर नोट की गई, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्लाइट्स पर काफी असर पड़ सकता है। वहीं सफदरजंग एयरपोर्ट के आसपास और बाकी इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो करीब करीब 100 मीटर्स के आसपास सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड की गई है। फॉग की वजह से लगातार जो कोहरा पिछले कई दिनों से बना हुआ है, उसकी वजह से लोगों की जो ट्रेन्स हैं वो देरी से चल रही हैं, चाहे वो आने वाली ट्रेन्स हो या जाने वाली ट्रेन्स हो। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। अगर डिपार्चर में देखेंगे आप, झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, पुरी एक्सप्रेस, ये सारी डिपार्चर वाली ट्रेन्स हैं जो रीशेड्यूल की गई हैं। अराइवल में भी कई ट्रेन्स ऐसी हैं जो डिलेड हैं, जो दिल्ली में अराइवल करने वाली ट्रेन्स हैं उनमें से 81 ट्रेन ऐसी हैं जो देरी से पहुंच रही हैं दिल्ली के अंदर। कौन सी ट्रेन है? स्वतंत्रता सेनानी। कितने बजे जाती है और कितने बजे जा रही है? रात को 8:40 में है। हाँ। अभी बता रहा है 12 बजे। पूरी रात ठंड में हम लोग बाहर भटक रहे हैं। 8 से 8 बजने को आए हैं। जी। तो 12 घंटे आपको यहाँ इंतजार? बिल्कुल। ठंड में यहाँ पे पूरी रात ठंड में हम इधर उधर टहलते रहे, हमने पूरी तैयारी करके भी नहीं आए, अब जाके पता लग रहा है कि लेट हो रही है ट्रेन। अभी 8 बजे का बता रहे हैं? नहीं, अब तो बता रहे हैं कि 11 बजे आई है। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर मुरथल के पास हाईवे पर मौजूद हैं। धुंध का कहर पूर्ण रूप से फैल चुका है। इस समय रात के 1 बजे का समय है और वाहन चालक जो हैं बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ने को मजबूर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धुंध जो है वो पूर्ण रूप से फैल चुकी है और पुलिस ने भी हाईवे पर विशेष रूप से 2 एम्बुलेंस और 3 राइडर जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो कोहरे का असर न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि लोगों की सेहत पर भी दिख रहा है। कोहरा आपके स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है और उससे कैसे बचा जाए, इस मौसम में ये समझना बेहद जरूरी है। कोहरा ज्यादा होने से फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि कोहरे से हवा जो है वो प्रदूषित कणों की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। सांस के जरिए प्रदूषित कण फेफड़ों में पहुंचते हैं, जिससे सांस की तकलीफ होती है, घबराहट भी बढ़ जाती है। इसी तरह कोहरा ज्यादा होने से खांसी की तकलीफ भी होती है, क्योंकि कोहरे से बड़े प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे खांसी की समस्या हो सकती है। जिन लोगों का अस्थमा है उनकी दिक्कत कोहरे में बढ़ जाती है, और आपको बता दें कि कोहरा जो है वो ब्रोंकाइटिस का कारण भी बन जाता है, क्योंकि प्रदूषण के कारण
म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी कि सांस लेने वाली नली में नाक और फेफड़े के बीच सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है और कोहरे से बढ़ा प्रदूषण आंखों में जलन भी पैदा कर सकता है। तो ये आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है कोहरा, क्योंकि बढ़ रहा है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल आइए अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निवृत्ति मोहन मेरे साथ जुड़ रही है, गाजियाबाद से बृजेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। निवृत्ति, आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में किस तरह से यात्री परेशान है, फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी ट्रेनें लेट हुई हैं, रद्द हुई हैं, टाइम बदला गया है, क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ठीक से? जी नंदिता, बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त तक दिल्ली के अंदर जो आने वाली ट्रेन्स हैं वो करीब करीब 81 ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका अराइवल डिलेड है और 16 ट्रेन जाने वाली ऐसी हैं जिनको रीशेड्यूल किया गया है, 3 ट्रेन्स ऐसी हैं जिनको कैंसिल किया गया है। लोग यहाँ पर हैं, परेशान ज़रूर हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह की जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही है, जो उनकी जानकारी जिस समय मिल रही है उस समय वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, हम लोग लुधियाना में जा रहे हैं अभी। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या हुई आपको, कब आपने टिकट? हम लोग रात में 2 बजे यहाँ पे आए, हम लोगों ने 2:15 में टिकट खरीदा। उसके बाद में हम लोगों को उन्होंने 5:20 का टाइम दिया, तो अब लोग हम तब तक हम लोग इधर ठंडी में आज बहुत थी, हम लोग ऐसे इधर खड़े रहे। 5:20 हुए तभी भी कोई नहीं आए। बाद में हम लोगों ने पूछा अभी तो भी आपकी ट्रेन नहीं आई, आप भी रात भर यहाँ पे रहे? पूरी रात मैडम यही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ा। 8:40 की हमारी ट्रेन थी जो कि पोस्टपोन कर दी गई, फिर 5 बजे बताया गया, अब 7 बजे, अब बताया जा रहा है कि 11 बजे शायद जाएगी। मतलब आपको एक समय नहीं मिल पा रहा है कि भाई इतना डिले है, बता रही है पूरी इन्फॉर्मेशन नेट पे भी नहीं पता। आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरीके से परेशान हो रही है ये बच्ची भी यहाँ पर काफी घंटों से इंतजार कर रही है। इनके पेरेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बच्ची के साथ है आप, छोटी बच्ची? हाँ, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। सुबह 3 बजे, मैं सुबह 4 बजे देखा था नंदनकानन एक्सप्रेस, 6:30 का टाइम दिखा रहा था, राइट टाइम, बट यहाँ पे आके 5:30 को मैंने रीच कर लिया। यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ तो 6 आवर्स लेट दिखा रहे, अभी वो पता भी नहीं, 6 आवर्स से ज्यादा भी हो सकता है मे भी, और ये पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैसेजेस वगैरह नहीं मिल पा रहे। आपको कहाँ जाना है? हम अभी आए, हम दिल्ली यहाँ से आए, मुंबई से। ट्रेन डिले है आपकी? है ना, डिले लेट आई, वो 5 घंटे लेट आई हमारी ट्रेन। 5 घंटे? हाँ। तो आपको काफी इंतजार किया? बहुत ही। नहीं, हम बुलेट ट्रेन की बात तो कर रहे हैं, हमारे देश में बुलेट ट्रेन की सरकार बात कर रही है, लेकिन प्रॉपर जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। फॉग की वजह से लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान जरूर देखे जा रहे हैं नंदिता। हालांकि ट्रेन डिलेज की जो वजह है वो फॉग है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पे जो जानकारी मिलनी चाहिए जी, वो जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, टेक्निकली बहुत एडवांस रेलवे को कर दिया गया है, पूरे सिस्टम को कर दिया गया है ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, लेकिन जब जरूरत होती है तो ये सिस्टम फेल हो जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। गाजियाबाद का रुख करते हैं, बृजेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। बृजेश, अचानक से ठंड भी कल से ज्यादा बढ़ गई है, गाजियाबाद में किस तरह के हालात हैं, वहां भी लोग परेशान होंगे धुंध से कोहरे से? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दिल्ली और एनसीआर की, तो कोहरे ने अचानक और अपना तेज रुख अख्तियार किया है। 2 दिन तक कुछ हद तक गनीमत थी, लेकिन आज सुबह से जबरदस्त कोहरा था, बल्कि देर रात से ही कोहरे ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। मैं इस समय जो दिल्ली मेरठ हाईवे है मैं उस पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकती हैं किस तरीके से कोहरा अभी तक जो विजुअलिटी है, हाँ रात से अगर देखा जाए तो कुछ हद तक इम्प्रूव जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत कम है विजुअलिटी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरीके से कोहरे के साथ ठंड ने भी और ज्यादा अपना तेजी अख्तियार किया, जिसकी वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। ठंड हवाएं चल रही हैं, कोहरा है, तो लोगों को दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो सड़क मार्ग है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये पूरा दिल्ली मेरठ हाईवे है और ये मेरठ तक पूरा जाता है। यहाँ पर वाहनों की जो है, अगर देर रात की बात करें तो वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि वजह ये थी कि वाहन निकल ही नहीं पा रहे थे, कोहरे की वजह से विजुअलिटी पूरी तरह शून्य थी, तो लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से मौसम है वो लग भी नहीं रहा है कि अभी हाल में ये इम्प्रूव हो पाएगा और लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी। बिल्कुल, यातायात पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है, फिर चाहे वाहन सड़कों पर हो या फिर ट्रेनें हो या फिर हवाई यात्रा हो, कोहरा बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। ऐसे में जरूरत यह है कि प्रशासन और जो सिस्टम है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को इस बारे में दी जाए ताकि हादसों को रोका जा सके।